अस्सलामुअलैकुम, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। आईजी पंजाब इनाम गनी का सियालकोट डस्का में कचहरी के करीब फायरिंग से 3 अफराद के कत्ल के वाकये का नोटिस। आरपीओ गुजरांवाला से वाकये की फौरी रिपोर्ट तलब। मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में एंटी राइड टीओटी की पासिंग आउट परेड। परेड में पंजाब के मुख्तलिफ जिला से 270 ट्रेनीज की शिरकत। एडिशनल आईजी कुंवर शाहरुख की सरबराही में ट्रेनीज को तरबियत दी गई। पासिंग आउट परेड में एडिशनल आईजी कुंवर शाहरुख की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मनावा पुलिस ने सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश में मुलविस बिलाल नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी ऑपरेशंस इशफाक खान ने सोशल मीडिया पर वायरल फोटो का नोटिस लिया था। मुलजिम के कब्जे से राइफल और गोलियां बरामद, मुकदमा दर्ज। डीआईजी ऑपरेशंस इशफाक खान की एसएचओ मनावा खालिद महमूद को शाबाश। डीआईजी ऑपरेशंस इशफाक अहमद खान का कहना था कि शहरियों में खौफ और हरास फैलाने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन मंसूर कमर की सरबराही में नवाब टाउन पुलिस की कार्रवाई। डकैती की वारदात में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम रियासत गिरफ्तार। मुलजिम के 5 साथी पहले ही गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। मुलजिम ने 2 साल कब साथियों के साथ मिलकर 56 लाख रुपए की डकैती की वारदात की थी। मुलजिम रियासत अपने दीगर 5 साथियों के हमराह सामान से भरा ट्रक छीन कर फरार हो गया था। डॉल्फिन स्क्वाड ने ताज बाग में गन पॉइंट पर जनरल स्टोर पर वारदात करने वाले 3 डाकू गिरफ्तार कर लिए। डॉल्फिन टीम 212 ने मुलजमान को वारदात के बाद 15 मिनट के अंदर गाजियाबाद फाटक के करीब राउंड अप कर लिया। डाकू ने जनरल स्टोर पर वारदात की थी। मुलजमान के कब्जे से छीनी गई रकम, 2 पिस्टल्स बरामद। मुलजमान को थाना गाजियाबाद के हवाले कर दिया गया है। सरबरा लाहौर पुलिस की तरफ से एसपी डॉल्फिन को शाबाश। सेक्टर इंचार्ज और टीम के लिए तारीफी असनाद का ऐलान। डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पांस यूनिट ने मुख्तलिफ संगीन जराइम में मुलविस 20 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। डॉल्फिन टीम ने गुलशन इकबाल पार्क के करीब वारदात नाकाम बना दी। इकबाल टाउन से डमी पिस्टल से वारदातें करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। 2 मोबाइल्स बरामद। शेराकोट से नशे में धुत 6 मुलजमान गिरफ्तार। असलहा और शराब बरामद। मुलजमान शहरे आम पर नशे की हालत में ड्रिफ्टिंग कर रहे थे। नसीराबाद, ग्रीन टाउन, सब्जाजार और बागबानपुरा से 13 पेशावर मुलजमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजमान पर मुख्तलिफ नौयत के संगीन मुकदमा दर्ज हैं। मुलजमान को थाना इकबाल टाउन, शेराकोट, ग्रीन टाउन, बगबानपुरा और सांदा के हवाले कर दिया गया। एसपी डॉल्फिन राशिद हदायत के मुताबिक सीसीपीओ के विजन के मुताबिक लाहौर को क्राइम फ्री बनाने के लिए बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। चौकी भाईवाला पुलिस का डाकुओं के साथ फायरिंग का तबादला। शहरी ने सुबह 3:30 बजे 15 पर कॉल करके मोटरसाइकिल छीनने की तला दी थी। पुलिस के रोकने पर डाकुओं ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 डाकू जख्मी। पुलिस ने 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। की खबरें, मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.pse.tv।